नमस्कार, स्वागत है आपका द नेक्सस एकेडमी के न्यूज बुलेटिन में। तो फटाफट देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर खबरें विस्तार से। झारखंड में कोरोना का कहर, एक दिन में 42 पॉजिटिव मिले, संक्रमितों की संख्या 290 हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, देश में मरीजों की कुल संख्या 1,00,000 के पार। चक्रवाती तूफान अम्फान ने बंगाल और उड़ीसा में मचाई तबाही, 2 की मौत। कोरोना से जंग के लिए झारखंड सरकार ने 100 करोड़ रुपए किए मंजूर। झारखंड के 6 जिलों में खुलेंगे ITI कॉलेज, 13.77 करोड़ की मंजूरी। 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ मिलेगी इजाजत। एक जून से चलने वाली 200 ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग आज से शुरू, सभी यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड में बुधवार को सर्वाधिक 42 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, इनमें गिरिडीह के 5 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा 18 मरीज सबसे ज्यादा गढ़वा से हैं। राज्य का गढ़वा जिला रांची के बाद दूसरा नया हॉटस्पॉट शहर बन गया है। गढ़वा जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को एक साथ 18 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 44 पर पहुंच गई। बुधवार को 18 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ कुल मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी से सारे लोग खौफजदा हैं। एक बार सभी जिलों पर नजर डालते हैं तो रांची सबसे पहले नंबर पर 105 मरीज के साथ, गढ़वा 47, गुमला 3, बोकारो 10, पलामू 15, लोहरदगा 2, रामगढ़ 3, हजारीबाग 33, धनबाद 7, गिरिडीह 15, सिमडेगा 3, कोडरमा 14, देवघर 5, जामताड़ा 2, लातेहार 4, गोड्डा 1, दुमका 2, पूर्वी सिंहभूम 15, पश्चिमी सिंहभूम 1, सरायकेला देव और चतरा में 1। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,00,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मामला सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 42,298 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधर कर 39.62% पर पहुंच गया है। चक्रवाती तूफान अम्फान ने बुधवार को पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में दस्तक दे दी, जिसके कारण दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में तेज आंधी चल रही है और बारिश भी हो रही है। इसके चलते यहाँ कई घर ध्वस्त हो गए। पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो गई। उड़ीसा व बंगाल में 4,00,000 लोगों को NDRF ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। कोरोना के खिलाफ प्रभावी जंग के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की अग्रिम बजट मंजूर किया है। पूर्व में मंजूर 30 करोड़ रुपए लंबी चल रही लड़ाई में कम पड़ गए हैं। दूसरी ओर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एम्स नई दिल्ली और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार टेस्टिंग किट, इलाज सामग्री और दवा चिन्हित कंपनियों से अधिकतम खुदरा मूल्य पर खरीदी जा सकेगी। राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक एक ITI कॉलेज खुलेंगे। केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में ITI कॉलेज के निर्माण के लिए केंद्र से 20.65 करोड़ का योगदान मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से 13.77 करोड़ दिए जाएंगे। मेदिनीनगर में केंद्रीय विद्यालय के लिए झारखंड सरकार ने 10 एकड़ भूमि निःशुल्क देने का फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने ही मेदिनीनगर में केंद्रीय विद्यालय खोलने की हरी झंडी दे दी है। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है।
हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानें भी 25 मई यानी सोमवार से शुरू होंगी। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहें। यात्रियों के लिए SOP भी जारी किया जा रहा है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले रेलवे ने सिर्फ नॉन एसी ट्रेनों की बात की थी, लेकिन इन ट्रेनों में एसी और जनरल डिब्बे भी होंगे। टिकटों की बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ही होगी। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की बोर्डिंग स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हीं यात्रियों को यात्रा की इजाज़त होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें द नेक्सस एकेडमी और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।